इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर दाना मोहम्मद सरवर। नागरिक जीवकार इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक से भी मुमन फैसलाबाद पाकिस्तान के जेर तमाम जो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का सिलसिला शुरू किया है मोहल्ला फैजाबाद सर्किट नंबर 2 फैसलाबाद में वहां मौजूद है और मेरे साथ IHSM के PRO और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है शफीक अहमद भट्टी साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक से भी मुमन फैसलाबाद पाकिस्तान की शोभा ख्वातीन की वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जाज साहबा भी मौजूद है और उनके साथ हमारे IHSM के जो ग्राफिक डिजाइनर हैं अली अब्बास साहब भी मौजूद हैं और साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक से भी मुमन फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक डॉक्टर मोहतरम कासम रफीक साहब भी मौजूद हैं। नागरिक जीवकार गुफ्तगू का आगाज करते हैं। 21 जुलाई 1965 का 1965 का वो तारीखी दिन हिस्टोरिकल डे मेमोरेटिव डे जब पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज हुआ और फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने पाकिस्तान में होम्योपैथी का कानून पास किया और होम्योपैथी का आगाज जो है पाकिस्तान में हुआ। इस दफा पूरे जोशो जज्बे के साथ नए जुनून के साथ पूरे गर्म जोशी के साथ जो है इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। उसके लिए हमने इंतजाम जो है वो शुरू कर दिए हैं। नाजरीन जीवकार यहाँ वीडियो बनाने का ये मकसद है कि 21 जुलाई को हमने केक काटने की एक पूर्वकार शानदार और अजीमो शान तकरीब का एहतमाम किया था, लेकिन चूंकि महरम अल हराम का मुकद्दस महीना जो है वो इसमें शामिल हो गया तो हमने इस डेट को जरा पहले लेके आए हैं। और अब जो है पाकिस्तान होम्योपैथी डे 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे गुज़श्ता सालों की तरह हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसके केक काटने की तकरीबात का इंतजाम किया जाता है पूरे पाकिस्तान में, तो इस दफा 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है वो इंतहाई जोशो खरोश के साथ जज्बे के साथ जुनून के साथ उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन 21 जुलाई को नहीं महरम अल हराम के मुकद्दस महीने की वजह से इसको हम अब 16 जुलाई 2023 बरोज इतवार के दिन सपहर 3 बजे इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे इत्माम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में यहां मरकजी दफ्तर में एक पूर्वकार शानदार अजीमो शान केक काटने की एक तकरीब हमने मुनक्कद की है जिसमें हमने पाकिस्तान भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से जो है मेडिकल साइंस से वबिस्ता लेडी डॉक्टर डॉक्टर होम्योपैथिक लवर्स प्रमोटर सपोर्टर्स और होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों को मधु किया है। ओपन कॉमन इन्विटेशन दे रहे हैं कि आए हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर सेंट्रल ऑफिस में एक केक काटने की 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे को की केक काटने की एक पूर्वकार शानदार और अजीमो शान तकरीब में शामिल हो और 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करके हम पूरी पाकिस्तानी कौम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाए एक मैसेज जाए कि हम होम्योपैथी को अब पूरी दुनिया में प्रमोट करेंगे सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी और पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान समेत होम्योपैथी तरीका इलाज का डंका बजने जा रहा है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं और हम इसको पूरी दुनिया तक इसको तरीका इलाज को पहुंचाएंगे और इसके जो सम्राट हैं इसके होम्योपैथिक रेमेडीज के बेनिफिट्स इसके सम्राट जो हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचने चाहिए। जी हमारे साथ IHSM के PRO और मैनेजिंग डायरेक्टर शफीक अहमद साहब मौजूद हैं। शफीक अहमद साहब 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करेंगे हम यहाँ और एक केक काटने की पूर्वकार शानदार अजीमो शान तकरीब का एहतमाम किया गया है 16 जुलाई 2023 बरोज इतवार सुपहर 3 बजे। तो इसके बारे में शफीक साहब आपके जो इंतजाम है आपकी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो क्या आप पैगाम देंगे हमारे पूरी पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर के लोगों को दावत दी गई ओपन कॉमन इनविटेशन दी गई है कि केक काटने की तकरीब में शामिल हो तो क्या इंतजाम है इसके बारे में आपके। जी शफीक अहमद साहब सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका
शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू आपने बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया। जी जी तो ये सबसे पहले हमारे जो होम्योपैथिक डे 58वां पाकिस्तान डे जो मैं 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, होम्योपैथिक डे जी जी 21 जुलाई को मनाया जा रहा था, लेकिन अब मुहर्रम अल हराम की मुकद्दस महीने की ना वजह से अब ये मशावरत से 16 जुलाई को बरोज इतवार 2023 सपहर 3 बजे मोहल्ला फैजाबाद गल नंबर 2 में मरकजी ऑफिस इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट में मनाया जाएगा, और इसमें पूर्वकार के कारने की तकरीब मुनक्द होगी जिसमें शिरकतें आम है। श्री साहब इसके लिए आपने तमाम तारे इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए? हमने इंशाल्लाह 16 जुलाई से पहले पहले इसके सारे इंतजाम मुकम्मल कर लेंगे, अभी तकरीबन अभी कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है, 16 तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा जी इंशाल्लाह। जी हमारे साथ है शफीक साहब, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जात साहबा भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। डॉक्टर साहबा, हमने तमाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर और मेडिकल साइंस से वबिस्ता जितनी भी खुवातीन है उनको भी मधु किया है अपनी 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इतवार के दिन 16 जुलाई 2023 बरोज इतवार सुपहर 3 बजे। तो आप ने जो कन्वे कर रही हैं आप खुवातीन को, तो आप दावत दे रहे हैं आप लोग के जी आए हमारी इस तकरीब में जो है केक काटने की पूर्वकार शानदार अजीमो शान तकरीब जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसके लिए आपने खुवातीन को मुनज्जम किया है, कन्वे कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, हमने काफी पेशेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी कहा है कि आप इस 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी उसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल हो केक काटने की तकरीब में। जी पता चलेंगे होम्योपैथी क्या है। और डॉक्टर साहब आपको तो पता है कि गुज़श्ता साल भी सालों से हम ये सेलिब्रेट करते आ रहे हैं इस दिन को, और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का वो वाहद प्लेटफार्म है पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कि जहां 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह की तकरीब आपको शफीक साहब कहीं नजर नहीं आएगी। डॉक्टर साहब आपको मालूम ही है इसके बारे में। जी 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 डॉक्टर साहबा के आप रिमार्क सुन रहे हैं कि उनका कहना था कि 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है वो नहाय जोशो जज्बे के साथ एक नए जुनून के साथ इसको इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हम तमाम अपने दोस्त अहबाब जिनको हमने दावत दी है सोशल मीडिया के जरिए भी हम इनविटेशन दे रहे हैं, ओपन कॉमन इनविटेशन दे रहे हैं कि हमारी इस तकरीब में शामिल हो के तो 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है उसको सेलिब्रेट करें ताकि होम्योपैथी का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाना चाहते हैं उसको आसान तरीके से जो है हम पहुंचा सके। इसके साथ ही हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिले एहतराम होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासिम रफीक साहब भी मौजूद है। कासिम रफीक साहब, इनको क्या कहेंगे कि 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 16 जुलाई 2023 बरोज इतवार सुपहर 3 बजे, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब इंतजाम के बारे में बताएं क्या कहेंगे कि लोगों की एक बड़ी तादाद केक काटने की तकरीब में शामिल होगी। जी जी, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, 58वां होम्योपैथी पाकिस्तान डे की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तो बहुत से लोग इंशाल्लाह शिरकत फरमाएंगे और उसके साथ डॉक्टर लेडी डॉक्टर तलबा और तलबात होम्योपैथी के स्टूडेंट वगैरह वो भी तशरीफ लेके आएंगे। तो डॉक्टर साहब 58वां होम्योपैथी पाकिस्तान डे की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। जी जी, 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 जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम रफीक साहब के आप कमेंट्स जो हैं वो समाप्त कर रहे थे। उनका कहना था कि 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है इस साल जो है वो 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन जब होम्योपैथी का आगाज पाकिस्तान में हुआ, इस दिन के हवाले से हम पाक फौज को जो है वो खराज अकीदत पेश करते हैं, पाक फौज को सलूट पेश करते हैं कि होम्योपैथी का आगाज जो है 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन जब फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की पाकिस्तान में हुकूमत थी उन्होंने होम्योपैथी के कानून को पास किया था। तो इस निस्बत के हवाले से अगर देखा जाए तो इसका सारा क्रेडिट जो है डॉक्टर साहब
वो पाकिस्तान आर्मी को ही जाता है और हम पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हैं कि उनके दौरे हकूमत में जो है वो होम्योपैथी का आगाज हुआ पाकिस्तान में और इस दफा हम उसको 58वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में एक केक काटने की पूर्वकार शानदार अजीमो शान तकरीब का एहतमाम किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद जो है उनमें लेडी डॉक्टर डॉक्टर्स होम्योपैथिक लवर्स और तलबा तलबात जो हैं वो भी इस तकरीब में शामिल होंगे। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार मैं अपने साथी डॉक्टर साहेबान के साथ IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज से आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीजों अकारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।